हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और कहाँ जा रही है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो पर नए हैं। तो यहाँ पर मैं बोकारो जा रही हूँ, हम लोग दोनों बोकारो जा रहे हैं और यहाँ पर पिकू का ड्रेस लेके आई थी। तो शर्ट तो बिल्कुल ठीक था बट जीन्स छोटा था, तो उसे फेराने के लिए गई थी। दुकान भी बंद था बट जो बगल वाले भैया थे वो चेंज कर दिए, उनका भी नहीं था तब भी वो चेंज कर दिए क्योंकि वो आएंगे तो शायद उनके कांटेक्ट में थे वो, तो वो अपना समझ लेंगे। तो इधर फाइनली हम लोग को वो ड्रेस मिल गया और ऐसे टेंशन लग रहा था कि पता नहीं ड्रेस मिल पाएगा भी नहीं। बहुत शौक से ली थी और नहीं पहनता तो अच्छा भी नहीं लगता, तो मिल गया, सब कुछ सही से रहा। यहाँ पर हम लोग अब बोकारो के लिए निकल रहे थे तो टोटो भी आ गया है, स्टेशन पहुँच जाएगा क्योंकि इस बार हम लोग बस से जाने वाले हैं, ट्रेन से नहीं। आते समय ट्रेन से आऊँगी और यहाँ पर तत्काल टिकट नहीं मिला था इसीलिए हम लोग को जल्दी आज ही जाना पड़ा बस से, क्योंकि हम लोग का कल ढलैया भी था तो इसीलिए आज ही निकल गए हैं और यहाँ पर ये टिकट कटा रहे हैं। तो अभी बस आई नहीं है, बस थोड़ी देर में आने वाली है, यहाँ पर टिकट कटा लेते हैं। और यहाँ ये लोग मुस्लिम लोग थे, इनका इफ्तार का टाइम था तो ये लोग अपना इफ्तार भी कर रहे थे। तो ये लोग का जो भी अपना नियम होता है वो नियम धर्म से अपना कर रहे थे, तो पहली बार ये सब भी देखने को मिला। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, थोड़ा इंतज़ार कर रही थी और काफ़ी देर के बाद आया इसीलिए मैं थोड़ा बैठ गई, ज़्यादा खड़े खड़े पैर उठने लगता है, तो यहाँ पर बैठ गई थी और टिकट भी कट गया था और बस भी आ गई। तो हम लोग इसीलिए उस पार से इस पार गए क्योंकि इस पार बस आने वाली थी और यहाँ पर बस आ गई है। तो ये बस कोहिनूर बस था, ये हम लोग को रामगढ़ पहुँचाएगा, तो इस बस पे बैठेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर से। बस से जाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बट सडनली हम लोग को जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए पहले चढ़ जाते हैं लड़ेंगे, और यहाँ पर ये सारा सामान भी रखवा रहे थे। तो मैं भैया को बोल रही थी कि अच्छे से रख दीजिएगा कहीं नहीं बाय मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि सामान गायब हो गया। तो भैया बोल रहे थे बिल्कुल सेफ से मैं सामान बढ़िया से रख दीजिएगा, अच्छे से लॉक भी लगा दिए थे ताकि किसी दिक्कत वगैरह ना हो। तो यहाँ पर ये अच्छे से रखवा दिए थे सामान, चढ़ गई थी और देख सकते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा था, एसी लगा हुआ था और बहुत ही कंफर्टेबल था, ऐसे पर्दे वगैरह लगे हुए थे, सीट भी बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, लाइट वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग का ये नीचे वाला था सीट, ये ऊपर वाला नहीं। और यहाँ पर बस खाने के लिए रुक गया है ये बस, तो यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। ये होटल था तो अच्छा होटल था और खाने भी यहाँ का अच्छा है, ये बोल रहे थे। तो यहाँ पर ये अंडा कड़ी और चावल, रोटी, सैलड और भुजिया, ये सब कुछ था। तो यहाँ पर खा लेते हैं और रात हो गया था करीब 9:30 बज गया था, तो खा लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं कब होंगे, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था, मुझे तो भूख भी मिट गया था, खाने का भी मन नहीं कर रहा था बट ये उठा दिए। यहाँ पर बस कैसे भी करके उठ गए हैं और बस खाली खाना।